गाइस वेलकम बैक, क्या हाल चलाई हो अच्छे हो तो जल्दी से अगर वीडियो को लाइक कर ले, इस वीडियो को लाइक करके में 30,000 जल्दी से अगर से पूरा करा दो। तो भाई लास्ट में हमारा प्यारा माइकल वापस हमारे पास आ चुका है, उसने बोला मैं ट्रेवर दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज भाई मेरे को माफ कर दे। और भाई मैंने उसको माफ कर दिया है, क्योंकि यार देखो दोस्त गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है, तो दोस्ती में सब चलता है। इसलिए अभी हम दोनों आज मिल करके ढूंढेंगे ताजमहल को और उसका नेता बनाएंगे बड़े ही प्यार से। तो ट्रेवर बेटे फटाफट से चलते हैं भाई लेसन की फैक्ट्री में, वहां पर मेरा माइकल और लेसन इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने भाई कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, तो चलते हैं फटाफट से वहीं पे। तो फिलहाल भाई आप देख रहे हो सामने ज़ोंबी द नमूना, ये ज़ोंबी भाई वो ये जिसके मैंने उस दिन गोलियां बजाई थी, ये नमूना फिर से यहीं पर आ गया ठीक होकर के। तो मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा फिर आ गया, तो चलो फिर से मजे लेते हैं। और भाई ज़ोंबी बेटे वीडियो शुरू हुई नहीं, नमूने पहले मिल गए, आ जा भाई आ जा आ जा। तो फिलहाल चलो भाई इसे थोड़े से मजे लेते हैं। तो भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा कर लीजिए जाकर के, मैंने आपको लाइक स्क्रीन बता दिया। चैनल पर न्यू तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको सेट कर दो। अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया जाकर के उसको चेकआउट कर लेना, बाद में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फुल जीटी की वीडियो डालता हूं। मेरे प्यारे बेटे ज़ोंबी कैसे परेशान है, ये घूसा खा करके ही मानेगा क्या, प्यार से नहीं मानने वाला भाई। क्या हो बेटे, केयरफुल। देखा भाई जी क्या क्या कमाल है बंदा, बे बेटे तू तो पिटेगा। ले बेटे कैसी लगी, ओ भाई साहब 50 रुपए तो बनते हैं यार इस चीज के ऊपर। ट्रेवर यार तूने तो मजा उठा दिया, क्या मारा भाई। ज़ोंबी बेटे कैसी लगी, आया मुझे भाई जब सर से सर टकराएंगे तो मजा आ ही जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, ये चीज तो कमाल कर दी ट्रेवर ने, कभी कभी तो ऐसी चीज कर देता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं होती। मैंने सोचा चांटा मारेगा घूसा मारेगा पेट में, सर से सर बजा डाला भाई उस बंदे का, तो नारियल फोड़ दिया इसने। तो फिलहाल लेसर के पास निकलते जल्दी से माइकल से मिलने के लिए, देखते भाई क्या स्ट्रेटेजी है माइकल के पास, क्या रिसर्च उसने करी और क्या रिसर्च हमारा मुकेम्बो करने में लगा हुआ है, अभी पता चल जाएगा। पहुंचते जल्दी से भाई, पहुंच चुका हमारे लेसर भाई की फैक्ट्री में। चल भाई ड्राइवर जल्दी से ऊपर की तरफ चल, ये सूट भाई मैंने कल लिया था ड्राइवर के लिए, मेरे को काफी पसंद आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है ड्राइवर के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको पहन लेते भाई, नया नया सूट है, कल के बाद इसका क्या पता नंबर लगेगा नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे माइकल बेटे क्या हाल चाल है, सुधर जब भाई सिगरेट पीने में लगा है। लेस्टर आज सुधर गया, ये लेस्टर जब अकेला रहता है जब ज्यादा सिगरेट पीता है। और भाई लेस्टर नमूने क्या हाल चाल है, ये तो ऋतिक है भाई, लेस्टर थोड़ी हमारा ऋतिक है भाई। ऋतिक भाई जी कुछ स्ट्रेटेजी बनी, माइकल भाई प्लान बताओ जल्दी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। ड्राइवर तुम एक काम करो, फटाफट से हमारे पार्टी वाले घर पर जाओ, वहां पर तुम्हें चाबी मिलेगा, उसको काफी टाइम से मैंने इसी चक्कर में लगा के रखा था ताकि वो इस चीज को ऊपर रिसर्च करे और मेरे को बताए सारी इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल मेरे को लगता है उसको कुछ ना कुछ तो पता चला है, जल्दी से जाओ उसके पास मिलने के लिए, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। फिलहाल भाई चाबी का नमूना भाई उसके पास मिलेगी मेरे को इन्फॉर्मेशन। ठीक है माइकल पहुंचता हूं अपने पार्टी वाले घर पे, वहीं पे जाकर के बातें कर ले। तो फिलहाल भाई मुकेम्बो का फोन नहीं आया अभी तक, देखते हैं मुकेम्बो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। शायद से यार उसकी बुक्स में काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर होती तो मेरे को फोन करके बता देता। चलो कोई टेंशन की बात नहीं है, माइकल के पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी। भाई मेरे पास मुकेम्बो का ही फोन आया, ये तो बहुत लंबा जिएगा भाई, ये नहीं मरने वाला, याद करा। और शैतान का फोन आ गया मेरे पास में, तो शैतान मेरे को बोलता है कि ट्रेवर बैठे मैंने बहुत सारी बुक्स अपनी पढ़ ली है, चेक भी कर ली, मेरे को ऐसा लगता है मेरी कुछ बुक्स ना मिसिंग है, किसी ने चुरा ली है। तो फिलहाल भाई जो शायद से मुझे लगता है काम की बुक्स है वो मुकेम्बो बैठे की हो गई है चोरी। चलो कोई टेंशन नहीं, मैंने फिर भी उसको बोला मुकेम्बो भाई आप टेंशन मत लो, मैं पता तो लगा ही लूंगा, मेरे बाकी बंदे लगे सारे काम में, आपकी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हेल्प करने की कोशिश करी, फिलहाल आप आराम करो। तो फिलहाल निकलते हैं भाई चलो चाबी से मिलने के लिए। भाई मैं अपने पार्टी वाले घर पर पहुंच चुका हूँ भाई, आपको पीछे वाला घर याद है जहाँ पर मैं कल गया था, भाई बड़ा खतरनाक बंदा रहता है वहाँ पे, मैं भूल कर भी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो फिलहाल इतने सारे जोकर वाले बंदे और देखो मेन गेट पे खड़ा होकर के यहाँ पे जॉइंट लेने में लगवाया, अबे बदतमीज अगर कोई पीट करके चला गया यहीं से तो फिर कर क्या लेगा तू। अरे भाई ऐसे नमूने खड़े हुए हमारे घर में, ये माइकल की टीम होगी। और बेटे चुप कैसा है रे, ये तो जी मिलाता रहता है, इसको कुछ काम ही नहीं है। और तो फिलहाल पीछे वाला बंदा भी जॉइंट, कमाल है यार इतने बेकार हो गए रखे, अगर यहाँ पे अटैक कर दिया तो फिलहाल भाई ये अपने माइकल के शरीफ बंदे हैं ना। चलो देखते हैं, वैसे यार माइकल से भी दोस्ती तो हो गई है, कुछ अगर गड़बड़ वाली बात हुई वो हम बाद में देख लेंगे। और चाबी जी कैसे हो यार, तेरे को इतनी बार मैंने मारा तू तब भी नहीं मरा, बड़ा ही ढीठ मुर्गा है भाई तू। चल फिलहाल फटाफट से बता क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास ताजमहल की। हाँ ड्राइवर, बहुत ज्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चली है। तो जैसा कि मेरे को चंपा ने बताया, ताजमहल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। सॉरी टू इंटरप्ट हमारे चाबी जी, ये चंपा कौन है भाई, जैसे कि चंपा ने इसको बताया, चंपा को नहीं तो पता करना पड़ेगा। चाचा जरा चंपा के बारे में बताओ। और हाँ ड्राइवर, आज तक मैंने तुम्हें शायद से चंपा के बारे में नहीं बताया, चंपा मेरी मेड है, उसने ही मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी है। चंपा मेड है, काम वाली के पास इतनी इन्फॉर्मेशन, कमाल। अबे भाई कौन सी मेड होती है यार, वो मेड है क्या, है क्या मेरे भाई, क्या है चाबी है?
एक मेड के पास इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन आई, वो भी ताजमहल के बारे में। देखो खुल के बताओ थोड़ा, ठीक है, ऐसे मत कंफ्यूजन करो मुझे। ड्राइवर मेरी बात सुनो, जो चंपा है ना वो मेड के साथ साथ डिटेक्टिव भी है। वो टाइम पास के लिए यहाँ वहाँ पे जाकर काम करती है, असली काम उसका चीजों को पता लगा रही है। चंपा तो बड़ी टैलेंटेड है यार सच में, मतलब पार्ट टाइम जॉब पे करती है बर्तन साफ, और वैसे करती है भाई सबूत साफ, मतलब भाई डिटेक्टिव है चंपा। सच्ची अच्छी बात है यार, मैंने तो पहली बार सुना चंपा जी का नाम, आगे से हम भी चंपा की हेल्प लिया करेंगे, डिटेक्टिव चंपा। तो मेरे प्यारे भाई जी जरा पूरी इन्फॉर्मेशन अब बता, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, जल्दी बोल। तो ड्राइवर मुझे पता चला था कि मुकेम्बो के पास से कुछ बुक्स चोरी हो गई थी। माइकल की रिसर्च के हिसाब से हमें ये पता चला था कि मुकेम्बो जो हमारा केजीएफ का बॉस है उसके पास कुछ ऐसी बुक्स थी जिसके बारे में, ताजमहल के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो फिर क्या था, हमने जैसे ही उन बुक को चुराने की कोशिश करी मुकेम्बो के वहाँ पे जा करके, तो हमें पहले ही पता चला बुक्स पहले ही चोरी हो गई। तो इसीलिए अभी हमने उन बंदों को भी ढूंढ निकाला है जिन्होंने बुक्स चोरी करी है। तुम टेंशन मत लो, चंपा ने अपनी स्किल्स को यूज करके उसने प्लेन को हैक करा और वो प्लेन अभी क्रैश होने वाला थोड़ी देर में। फिर जा करके तुम प्लेन से बुक ले लेना जिस प्लेन में बुक बंदे लेकर के जा रहे थे। ओके चाबी चाचा, चलो भाई ठीक है, बुक्स तो हम ले लेंगे, आपको बंदे की बात समझ में आई गई होगी। माइकल ने कराया सारा का सारा काम, मतलब माइकल को पता था हमारे मुकेम्बो के पास बुक्स है, तो बेचारे के पास से चोरी हो गई, माइकल से पहले ही किसी ने चुरा लिया, बंदे उनको लेकर के जा रहे थे प्लेन में। ठीक है भाई, बात मेरे को समझ में आई। इसने जो बात बोली वो मेरे को हजम नहीं आई, हैकर चंपा, चंपा डिटेक्टिव है, चंपा हैकर है, चंपा है क्या? ये तो कमाल हो गया भाई, चंपा जी तो कमाल है, उसको तो अपनी टीम में लेना पड़ेगा। वो हैकिंग कर सकती है, वो बर्तन साफ कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है भाई, कमाल है कमाल। अरे भाई एक काम कर, इस चंपा को बोलना है सारा का सारा काम खत्म होने के बाद ट्रेवर के घर पर आए ट्रेवर से मिलने के लिए, उसके लिए काफी बड़ा काम है हमारे लिए, उसको टीम में रखेंगे भाई। लेस्टर की छुट्टी थोड़ी देर में मेरे को फोन करके बता देगा कहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, चंपा इसको इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो जैसे ही देखते हैं भाई प्लेन गिरेगा मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले तो वहां पर ऑलरेडी एकदम पहुंच जाएंगे, तो मैं पुलिस वाले से बोलूंगा प्लेन की हर एक चीज की चेकिंग करो, प्लेन के अंदर कुछ स्पेशल बुक्स होगी जो कि दिख रहे हैं पुराने जमाने की एंशियंट बुक है, उनको मुझे तो बहुत जरूरी है, वो मेरी बुक से किसी ने चोरी कर ली थी। ऐसा ही बोल करके आपको बताए पुलिस वाले मेरे को कुछ नहीं बोलने वाले, ऐसा बोल करके बुक्स निकलवा लेता हूँ और चलते हैं फिर भाई फटाफट से उनको रीड करके, और देखते हैं ताजमहल आज कहाँ पर आने वाला है। कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा, उन बुक्स में जरूर लिखा हुआ है उसके बारे में। भाई फोन मेरे पास पहुंच चुका है, तो चंपा तो यार सच में बड़ी एक्सपर्ट हैकर निकली, बहुत ही कमाल है यार, वो तो मजा आने वाला है, फटाफट से निकलते हैं, उसके बाद मैं जरूर अपने टीम में रखना सोचूंगा। तो फिलहाल अभी बता दा है चाबी ने मेरे को कहाँ पे प्लेन पड़ा हुआ है, इससे पहले प्लेन के अंदर से बुक्स कोई और बंदे लेकर के चले जाए मेरे को जल्दी से जाकर उन्हें लेकर के आना पड़ेगा, पहुंचते भाई लेट नहीं करेंगे। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, प्यारा सा प्लेन यहाँ पर आराम से पड़ा हुआ है, फिलहाल चलते हैं भाई देखते हैं कहाँ पर बुक्स मिलने वाली है। काफी बड़ा प्लेन है वैसे, ढूंढने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। ये लो भाई यहाँ पर भी नमूने, और आंटी को देख रहे हो शर्म नहीं आ रही, आंटी यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो गया, आप यहाँ पे इस बंदे को 15 सेकंड का स्टार बनाना चाहती हो, मतलब ये चल क्या रहा है? अबे नमूने क्या दिक्कत है तेरे को, अबे खड़ा हो जा भाई, हद यार सबको तो 15 सेकंड वाला स्टार बनना आज की डेट में। तो फिलहाल भाई ये चाचा यहाँ पर खड़े हुए, पता नहीं कौन से चाचा है, पुलिस वाले चाचा यहाँ पर खड़े हुए, ये हिसाब देख रहे, तो भाई इनसे पता करता हूँ। चाचा जी जल्दी से यार चेक करो पूरे के पूरे प्लेन में, किसी भी बैग में हो कहीं पर भी हो, मेरे को कुछ बुक्स चाहिए जो कि अभी की नहीं है पुराने टाइम की है। भाई पुलिस वाला बंदा मेरे को बोल रहा है ड्राइवर सर आप टेंशन मत लीजिए, आप वेट करिए अपनी बाइक के पास, मैं ढूंढ करके निकाल के लाता हूँ, जितना भी टाइम लगेगा आपका आपकी बुक्स मिल जाएगी। तो ठीक है भाई फिलहाल फटाफट से हम अपनी बाइक के पास खड़े रहते हैं, बंदे को थोड़ा टाइम लगने वाला है ढूंढने में, ये ढूंढेगा बात ही खत्म है। तो फिलहाल भाई अच्छा बंदा लग रहा है मेरे को, आपको बोलते पुलिस वाले मना नहीं कर सकते। भाई पूरी 15 मिनट लगी मेरे को, 2 बुक्स दी है मतने निकाल करके, फिलहाल शायद से भाई ये वो 2 बुक्स है जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो फटाफट से निकलते हैं मेरे प्यारे ड्राइवर बेटे, चल जल्दी से इन दोनों बुक्स को लेकर के चल अपने प्यारे लेस्टर के पास, तो भाई लेस्टर को ही पढ़वा दे इन बुक्स को और देखते हैं फिर आखिर क्या राज निकलने वाला है, क्योंकि भाई ये अलग लैंग्वेज है, क्या पता लेस्टर इसको डीकोड कर दे, फिर उसी के बाद चेक करेंगे भाई सारी चीजें हो पाएंगे नहीं हो पाएंगी। चल भाई ड्राइवर नमूने, फिलहाल तो अपनी ट्रोन बाइक की स्पीड यार काफी अच्छी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 430 से ऊपर निकल गई है, बहुत ही बढ़िया। वैसे पूरी स्पीड टेस्ट करने का सबसे सिस्टम यही है, आप चाहो तो साइड साइड में बाइक को चला सकते हो, कोई नमूना आपको परेशान कर लेकिन नहीं आने वाला, आप देख रहे हो भाई सबसे मस्त तरीका है टेस्ट करने के लिए। चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो ड्राइवर बेटी चल 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 जल्दी से बुक्स को लेकर के चलो, बुक्स ज्यादा बड़ी भी नहीं साइज में, बहुत छोटी छोटी बुक्स है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। फिलहाल यार यहाँ पे माइकल तो नहीं है, माइकल तभी चला गया था जब मैं यहाँ से निकल गया था, माइकल पता नहीं भाई कहीं पर गया है। फिलहाल बुक्स का काम बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो लेस्टर भाई, अरे कैटरीना कहाँ हो तुम, आ जाओ यार चलो डांस करते हैं, मैं फिलहाल फ्री खड़ा था यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ, पता नहीं यार कहाँ है फोन नहीं उठा रही। अबे लेस्टर नमूने तेरा फूफा आ चुका है सामने देख,
भाई कैटरीना को बुला रहा डांस करने के लिए, मतलब हाथ है। अबे हैकिंग कर ले, कुछ और काम कर ले, नहीं तो मतलब कुछ भी छोटा सा टाइम मिलता है फ्री, इसको डांस करना है। मैंने तेरे को रीतिक क्या बोलना शुरू कर दिया, सच में रीतिक समझता है क्या? चल फिलहाल ले सर बेटे, वो काम बाद में करता रहना, डांस कर आराम से कर, पूरा दिन डांस कर, फिलहाल बुक्स को डीकोड कर और जल्दी से बता कितना टाइम लगेगा। भाई मैंने लेस्टर नमूने का बुक्स दे दिए, बोल रहा है ड्राइवर मेरे को थोड़ा टाइम दे, पता करता हूँ जल्दी से क्या कहने में लिखा हुआ है। हेलो आंटी जी, कैसे हो? है भाई साहब, आंटी को देख के दिल खुश हो जाता है। आंटी जी देखो, आपकी बहन मरी, गलती है मानता हूँ, गलती से मर गई थी वो बेचारी, बट इसका मतलब ये तो नहीं आप ऐसे लुक्स दोगी, मेरे को अभी तक भी नाराज है भाई। ये तीनों की तीनों त्रिमूर्ति ये मानती नहीं है, ये अभी तक ऐसे ही मेरे से गुस्सा होकर रखी हुई। चलो इनसे बाद में बात करूंगा, फिर कभी इनको गिफ्ट देना पड़ेगा अच्छा सा, एक एक मेंशन गिफ्ट कर दो इनको, ताकि इनकी भी जिंदगी खुश हो जाए और ये बोले चलो ठीक है ड्राइवर हमने तुम्हें माफ करा, काश यार तब ये माफ मेरे को कर दे। निकलते हैं यहाँ से, लेस्टर का फोन थोड़ी देर में आ ही जाएगा। भाई मेरे पास कुछ पुलिस वाले बंदों का फोन आया, बंदों ने मेरे को फोन करके बोला ड्राइवर सर फटाफट से हमारे पास आ जाइए, एक बहुत ही प्यारा नमूना हम लोगों ने पकड़ा, आपका दिल खुश हो जाएगा देख करके। फिलहाल एक नमूना पकड़ा है भाई पुलिस वाले बंदों ने, वो भी ह्यूमन लैब में। आखिर कौन सा वो नमूना भाई हो सकता है, जाकर के मेरे को चेक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ भी खतरनाक हो सकता है, और वैसे पुलिस वाले मेरे को छोटी छोटी चीजों के लिए तो कभी बुलाते ही नहीं है, हमेशा वो मेरे को खतरनाक चीजों के लिए बुलाते। तो जाता हूँ भाई चेक करता हूँ आखिर कौन सा बंदा उन लोगों ने पकड़ लिया, जल्दी से पहुंचते हैं। भाई मैं लैब में पहुंच चुका हूँ, ड्राइवर पीटी चल चल फटाफट से। तो फिलहाल भाई मेरे सारे सारे बंदे अंदर ही मेरा वेट करने में लगे हुए, काफी गार्ड्स यहाँ पर है, काफी गाड़ियां यहाँ पर है, आज तो ह्यूमन लैब पूरी फुल हो के रखी है भाई देख रहे हो, आज तो काफी दिनों के बाद ये नजारा देखने को मिल पा रहा है हमें, नहीं तो खाली पड़ी रहती थी। तो फिलहाल चलिए भाई ड्राइवर बेटे हेलमेट उतार दे, कि अंदर जाके सिर बजाएगा किसी में हेलमेट को यूज करके। तो फिलहाल ठीक है भाई, अभी हमारे ड्राइवर ने हेलमेट उतार दिया है, अंदर की तरफ निकलते हैं, काफी गार्ड्स यहाँ पर है। ये सारे बंदे भाई अपने बंदे, प्राइवेट बंदे, अब की बार कोई भी यहाँ पे फर्जी बंदा नहीं है, मतलब कि दूसरी गैंग का बंदा वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे मिलिट्री वाले बंदे ही है। तो अंदर निकलते हैं, जो भी कुछ चल रहा है वो ऑफिशियल है, ऐसा कुछ नहीं है कोई गैंग वाला बंदा यहाँ पे आकर के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करा रहा है। तो फिलहाल पता करते हैं भाई आखिर कितने बंदे यहाँ पर है, कौन कौन मेन बंदा जो मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा। फिलहाल तो रास्ते में कोई दिख भी नहीं रहा, सारे सारे गार्ड्स ही खड़े हुए हैं, इनसे क्या बात करनी, अंदर की तरफ जाकर के बातें कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई कोई है क्या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड तक ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी चाचा चमन मेरे को नहीं मिला रास्ते में भी कुछ बताने के लिए। तो फिलहाल देखते हैं भाई कहाँ पर बंदे मिलने वाले, थोड़ा आगे निकलता हूँ आपको बताइए मेन जगह मिलने में कहाँ पे पड़ती है, वहीं पे जाकर के चेक कर लेता हूँ। भाई मैं पहुंच चुका हूँ मेन नमूने की जगह पर, फिलहाल यहाँ पर एक साइंटिस्ट है हमारे प्यारे भाई, मैंने इनसे बातें कर ली है। आप नमूना देख रहे हो, ये है अंदर लैब के वो नमूना बंद, आपको ये याद आया, ये वही ड्राइवर है जिसने एक टाइम पहले मेरे ऊपर अटैक करा था और फिर भाई इसने कमर तोड़ दी थी मेरे को 100 मील पर बांध करके चला गया था, ये वही है, इसको भाई कल पकड़ा है मिलिट्री वाले बंदों ने बड़ी मुश्किल से। बोल रहा है हमारा प्यारा साइंटिस्ट के सर इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा, मैं भी साथ में गया था, हमने इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए तब जाकर के इसको कंट्रोल रखा हुआ है करके, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा पावर्स है, ये अलग बंदा है नॉर्मल नहीं है ये, बट आपका क्लोन है, पता नहीं इसको किसने बनाया, कुछ तो गड़बड़ है, बट फिलहाल ये शांत है और 24 घंटे तक शांत रहेगा, और हम बार बार इसको डोज देते रहते हैं तो ये शांत ही रहेगा। हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ट्रेवर भाई, देख रहे हैं कि आखिर ये बना कैसे, किसने इसको बनाया है, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे रिजल्ट्स क्या निकल के आने वाले हैं। तो फिलहाल भाई अभी ये कुछ नहीं कर सकता, ये बस मेरे को देखता ही रहेगा, इसको आराम से बंद करके रखा है। वैसे इसके अंदर पावर्स थे आपको याद है, इसके अंदर आग लगी हुई थी, बट ये वैसे कोई भी चक्कर नहीं है क्योंकि फिलहाल बंदा है तो बड़ा ही खतरनाक। तो ठीक है भाई जी, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, चेक करो कैसे इसको बनाया गया है, और इसको बाहर मत निकलने देना, अगर कुछ गड़बड़ो मेरे को फोन करके बता देना। तो भाई अच्छा हुआ यार, इस बंदे को तो मैं भूल गया था, सच में आपको याद आया, बट भाई हमारे शहर के मिलिट्री वाले बंदे नहीं भूले, ये फेक ड्राइवर इसने तो मारा था मेरे को, 100 मील में बांध करके चला गया था, बदतमीज होता लेसर ने आकर के मेरे को बचा लिया था, नहीं तो उस दिन तो ड्राइवर का पत्ता कट ही जाता। फिलहाल चलो खैर जो भी हो, अच्छा हुआ मिलिट्री वालों ने इसको पकड़ लिया। भाई फूफी का फोन आया मेरे पास, फूफी मेरे को बोलती है ड्राइवर मेरी लोकेशन पर आ जा, तेरे को कुछ चीजें दिखानी है, जल्दी से आ जा। तो फिलहाल चले भाई चलते हैं माइकल के पास, पता नहीं क्या मेरे को बोलने वाला है, क्या दिखाएगा, पहुंचता हूँ। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो माइकल इस वाले बेस पर रुका हुआ, ये बेस मैंने पहले भी देख करके रखा हुआ है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं जल्दी से भाई ऊपर की तरफ, बात उससे कर करके आते हैं। माइकल भाई जी कैसे हो, आ गया आपका ड्राइवर, कहाँ पर है माइकल नमूना? वाह भाई वाह, टर्मिनेटर्स माइकल ने तो अलग ही लेवल करके रखा, देखो सामने खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब माइकल ने अपनी छोटी सी आर्मी फिर से बना ली है, ताकि ये पता नहीं क्या कर सके, वैसे मेरी हेल्प ही करेगा भाई, दुश्मन वाला काम तो नहीं करेगा। माइकल पीठी फटाफट से बताए टर्मिनेटर किस लिए तूने मंगाए, अभी कुछ पता चला क्लू? देखो लेस्टर लगा हुआ अपने काम करने में, तू बता फिर भी तेरे कुछ पता चला नहीं चला? ड्राइवर पता चली जाएगा, बस तुम्हारे पास बुक्स आ गई है, अभी तो कोई टेंशन नहीं है, अभी हम दोनों भाई मिल करके उस ताजमहल को ढूंढेंगे और खत्म कर देंगे। ये फिलहाल टर्मिनेटर मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाया, क्योंकि भाई देख कभी भी खतरा हो जाता है, इसलिए अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। फिलहाल भाई बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो माइकल यार टेंशन बदले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में हमें पता चली जाएगा ताजमहल कहाँ पर है, फिर चलते हैं दोनों के दोनों खत्म करने के लिए। तो फिलहाल भाई वैसे बेस काफी अच्छा है, ऑलरेडी वैसे बेस देख करके रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा बेस है, और यहाँ पर टर्मिनेटर भी लगा दिए,
तो अब तो भाई यहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही होने वाली है, आपको बताइए। चलो वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में लेस्टर फूफी का फोन आएगा। भाई पूरा आधा घंटा हो चुका है, लेस्टर का फोन आया हमारे पास। तो भाई पता है कहाँ पे ताजमहल आने वाला है? बुक्स के हिसाब से मेरा जो मिलिट्री बेस है ना भाई, पानी के ऊपर है, जहां पर एक बार माइकल ने बॉम्ब वगैरह फुड़वा दिए थे, उसी मिलिट्री बेस के सामने की तरफ ही फिलहाल कुछ ही देर में ताजमहल आने वाला है। उसके बाद पहुंचेगा सीधा यहीं पर जहां पर हमारा बेस है। अगर हमने उसको वहीं पर खत्म कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो पूरे लॉस सैंटोस के बीच में ही आ जाएगा और कम से कम 5-7 दिन तक यहाँ पर वो रहने वाला है, क्योंकि उसकी लोकेशन भाई परमानेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है टाइम टाइम के हिसाब से। तो इससे पहले वो शहर के बीच में आए, सब कुछ खतरा हो, तो हमें भाई उसी वाले बेस पे जाकर के उसको मारना पड़ेगा। भाई मैं और माइकल पहुंच चुके हैं और कुछ हमारे बंदे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई एक खुशखबरी की बात मैं आपको बताऊं, खबर बिल्कुल सच्ची है लेस्टर की, ताजमहल सच्ची में आ गया है। भाई सामने आप देख पा रहे हो पानी के बीच में आपको छोटी सी गोल्ड कलर की एक चीज दिखाई दे रही होगी जो कि डूबी हुई है। फिलहाल वो पानी के थोड़े नीचे, इसका मतलब थोड़ा ऊपर भी आने वाला है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, ये ताजमहल है गॉडज़िला जो पानी के नीचे बह रहा है, ऐसे कमाल है भाई। गॉडज़िला वाली हरकतें कर रहा है, गॉडज़िला पानी के नीचे ऐसे भागता रहता है और उसके भाई ऊपर से छोटी सी चीजें दिखती रहती है कि भाई देखो गॉडज़िला जा रहा है। तो फिलहाल ये भाई ताजमहल भी सेम ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फिलहाल इसको थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। तो भाई जब ये ऊपर आ जाएगा, माइकल आखिर वो चीज आ ही गई जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था, चल जल्दी से खत्म करते हैं ताजमहल को और ये किस्सा यहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा इसको ऊपर आने दो, उसके बाद अटैक करना शुरू करेंगे। मेरे सारे बंदों को मैं आरपीजी देता हूँ और काम खत्म करेंगे फिर। भाई ताजमहल पूरा ऊपर की तरफ आ चुका है, इससे पहले यहाँ से भागे मेरे प्यारे भाइयों, खत्म कर दो, सभी के हाथ में आरपीजी है। तो फिलहाल भाई ये निशाना लगा रहे हैं और सभी मारो, खत्म करो इसको, छोड़ना मत, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। वैसे मेरे को लगता नहीं है भाई इनकी आरपीजी वहां तक जाने वाली है, तो फिलहाल जा तो रही है भाई, देखते हैं क्या होने वाला है और लग भी रही है। माइकल टेंशन न ले, टेंशन न ले मेरे प्यारे भाई, सारा का सारा काम कर देंगे आज, इसको हम गिरा करके रहेंगे। कुछ तो चल रहा है भाई, लगता है ये हमारा ताजमहल कुछ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है यार, इतनी ज़्यादा आरपीजी लगने के बावजूद भी कद्दू भी फर्क नहीं पड़ रहा इसको। अरे यार ये तो बड़ा भयंकर ताजमहल है माइकल भाई, ऐसे नहीं जाने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसमें एजेंट गन चलानी पड़ेगी अपनी, आराम से मेरे प्यारे भाइयों जरा थोड़ा सा दूर हट जाओ, नहीं तो आप लोगों में तो किसी को एलियन गन लग जाएगी, फिर मुझे मत बोलना सब। मेरी प्यारी एलियन गन ये ले बेटी, अरे भाई साहब, अरे आर पार निकल गई भाई, ये कुछ काम नहीं कर रही मेरे को ऐसा लगता है। मेरे प्यारे ताजमहल ये ले एलियन गन भाई, नहीं दो एलियन गन वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, कुछ काम नहीं कर रहा। आरपीजी तो काम कर भी रही है बट ये भी काम नहीं कर रही, अभी इसको खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? मुझे लगता है जैसे मैंने सपने में एलियन गन से इसको खत्म करा था, आरपीजी से खत्म करा था, लगता है वो सपने वाली चीज यहाँ पर काम नहीं आने वाली, तो मेरे को कुछ और चीज करनी पड़ेगी। भाई बुक, क्या पता बुक पे ये सारी चीज लिखी हो कि आखिर ये कैसे खत्म होगा। हाँ भाई मेरे को बुक जाकर के चेक करवानी पड़ेगी लेस्टर से। लेस्टर बैठे फटाफट से फोन उठा और बुक में पढ़ के ये पता कि इसको खत्म कैसे कर सकते हैं भाई, जब उसमें सारी चीज लिखी है ताजमहल कहाँ कहाँ पे आता है, तो इसको खत्म करने का तरीका भी जरूर लिख रहा होगा वहाँ पे, चेक करवाता हूँ। भाई मैं लेस्टर को फोन मिलाया, लेस्टर नमूना फोन नहीं उठा रहा और फिलहाल अभी तो हमारे भाई भी थक चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि भाई उसमें कुछ असर ही नहीं हो रहा। माइकल यार लेस्टर फोन नहीं उठा रहा, तो एक काम कर भाई तू जा करके जल्दी से चेक करके आओ फोन क्यों नहीं उठा रहा, मैं यहीं पर हूँ, मैं कुछ स्ट्रेटेजी बनाता हूँ ठीक है। ड्राइवर तू क्यों एक काम क्यों नहीं करता, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तू आराम से जा करके देख, मैं ताजमहल को कुछ नहीं होने दूंगा, आराम से मैं इसकी सिक्योरिटी करूंगा, जब तक तू नहीं आता इसको कुछ नहीं होगा, आराम से जा तू लेस्टर से बुक पढ़वा और लेकर के आ जल्दी से सारा का सारा सॉल्यूशन कि कैसे इसको खत्म करेंगे। लाल यार माइकल के ऊपर कुछ डाउट लग रहा है मुझे, बोल रहा है तेरे जाने के बाद ताजमहल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अबे भाई तू खत्म करने की कोशिश कर इसको, दाल में कुछ तो काला है। बट फिलहाल देखो यार जो भी है, चल ठीक है माइकल तू रहे यहीं पर, मैं जाता हूँ, फिलहाल कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ही मेरे को गड़बड़ तो इसके ऊपर कल से ही लग रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखो 1% सारी चीज सोच के चलनी चाहिए, मान रहा हूँ हमारा दोस्त है हमारे साथ आ गया, बट क्या पता जानबूझ के माइकल ने हमसे हाथ इसलिए मिलाया ताकि इसको ताजमहल मिल सके, ताजमहल को ढूंढ सके। अभी ताजमहल इसको मिल गया इसलिए मेरे को यहाँ से गोली दे करके भेज रहा है कि चल तू लेस्टर के पास चला जा, और लेस्टर फोन नहीं उठा रहा, तो फिलहाल जाता हूँ भाई। चल ठीक है भाई माइकल तू यहीं पे रह और खत्म करने की कोशिश कर, मैं आता हूँ ठीक है ना, और कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। लाल माइकल को मैंने सारी बातें बोल दिया, तो देखते हैं भाई आखिर इसके दिल में चोर है नहीं है। वैसे मेरे को लगता है 99% ये कुछ ना कुछ गड़बड़ काम करेगा, फिलहाल मैंने इसको अकेला तो छोड़ दिया है यहाँ पर भाई, बट अभी ये बंदा पास ना चला जाए ताजमहल को और पानी ना पी ले, तो फिलहाल बट देखो करना मेरे को करेगा, क्योंकि मेरे को ये भी देखना है कि माइकल सच्चा है झूठा है वो भी मेरे को पता लगाना है, और ये भी मेरे को देखना है कि आखिर भाई कैसे खत्म होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। लेस्टर फोन नहीं उठा रहा, जाना दोनों ही तरफ मेरे को पड़ेगा। भाई मैं पहुंच चुका हूँ लेस्टर की फैक्ट्री में, यार ऊपर की तरफ निकलते हैं, एक सेकंड भाई यहाँ पर मैं आ तो गया, फ्लोर पर ब्लड पड़ा हुआ है काफी सारा,
कुछ तो गड़बड़ चल रही है लेस्टर भाई। ठीक है ना तू भाई, देखो अगर लेस्टर कुछ होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आंटी फिलहाल यहाँ पर है नहीं है। लो भाई आंटी को तो कोई फर्क, आंटी भी भाई आज यहाँ पर नहीं है। लेस्टर ने छुट्टी दे दी, आंटी जी चली गई यहाँ पर। ऐसा कभी होता नहीं है कि लेस्टर जी को छुट्टी दे दे। भाई लेस्टर अंदर है तू या नहीं है? फिलहाल लो भाई लेस्टर भी अंदर की तरफ नहीं है। तो जल्दी से भाई अब मेरे को पीटर को फोन करना पड़ेगा कि पीटर मेरे प्यारे भाई पता लगा जल्दी से कहाँ पर है हमारा लेस्टर बेटा, क्योंकि भाई सामने मेरे को ब्लड दिखा। आंटी भी नहीं है जो सिलाई करती रहती थी यहाँ पे परमानेंट। फिलहाल एक बिल्ली घूम रही है, वो तो कुछ बताने लायक नहीं है। फिलहाल तू ही बता दे भाई जल्दी से। फिलहाल भाई पीटर से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी क्योंकि भाई और कोई रास्ता मेरे को नहीं लगता। पीटर आपको बताया हमारा हैकर है, वो हमारे सब कुछ काम में आ ही जाएगा। जल्दी से फोन करके उससे इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ आखिर लेस्टर गया कहाँ पे। भाई पीटर से मेरी बात हो चुकी है। पीटर मेरे को बोल रहा है ट्रेयर भाई लेस्टर भाई किडनैप कर लिया गया है। वो ब्लड फिलहाल उनका ही है, उनको पीटा था थोड़ा सा इस वजह से खून निकल गया होगा। अभी फिलहाल वो आपको मिलेंगे एक वेयर हाउस में जहाँ पर आप सारा सामान रखते हो। आपके वेयर हाउस में ही लेकर गए हैं बंदे उसको, तो इसका मतलब लगता है आपका ही कोई साथी आपको चीट कर रहा है। लो भाई माइकल ने इसका मतलब मेरे को चीट सच में ही कर दिया। ये सारा काम माइकल ने करा है, लेस्टर को किडनैप। तो भाई इसका मतलब वो बस ताजमहल तक पहुंचना चाहता था, उसके बाद जानबूझ के जैसे ही उसको पता चला ना कि ताजमहल हमें मिल गया है तो उसने फिर एकदम से लेस्टर को किडनैप करवा लिया बेचारे को। उसको पिटवाया भी, बताओ ऋतिक रोशन को पिटवाया बेचारे को। बड़ोट से पूछता हूँ भाई लेट नहीं करता इससे पहले गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पता है मेरे को कहाँ पे मिलने वाला है। चल मेरे प्यारी ट्रोन भाई जल्दी। भाई मैं अपने उसी वाली जगह पर पहुंच चुका जहाँ पे अपना सारा सारा सामान रखते हैं। लेस्टर मेरे को मिल भी गया, ये देख रहे हो भाई क्या शाइनिंग मार रही है, गोल्ड मिनीगन पैसा वो ड्राइवर के पास। तो फिलहाल आगे निकलते, तो इन सभी बंदों को मैं गोल्ड मिनीगन से ही मारूंगा। फिलहाल है दो बंदे बट मारूंगा मिनीगन से ही। देख रहे हो लेस्टर फूफो कैसे बांध करके रखा हुआ है। बेशर्मो शर्म कर लिया करो, एक दो इंच तो शर्म करा करो, थोड़ी शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार, कमाल है। भाई मैंने लेस्टर को खोला, लेस्टर मेरे को बोल रहा है ट्रेवर मेरे पास घुसे, मुझे पीटा, इन बंदों के हाथ में मेरे को दिया और मेरे से बुक्स लेकर के चले गए उनके पास है। क्यों आखिर उनके पास बुक चली गई है, उनकी हिम्मत कैसे हो गई अभी भी हाई टेबल से पंगा लेने की। तो फिलहाल भाई आपको पता है ट्रेवर की इतनी पावर्स है। वैसे लास्ट टाइम भी भाई लॉस्ट वाले बंदों ने मुझसे पंगा लिया था क्योंकि उन्होंने शायद से एक्सेप्ट नहीं करा हमारे रूल्स को, उनका नेता बनाऊंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है माइकल के कहने पर उन्होंने सारा सारा काम करा है, माइकल ही करवा रहा है। लेस्टर तो टेंशन न ले, मेरे को सब पता है कैसे सारा सारा काम होना है। तो फिलहाल लॉस्ट वाले के पास निकलता हूँ पहले। भाई मैं लॉस्ट वालों के पास पहुंच चुका हूँ। मेरे प्यारे लॉस्ट वाले काफी बुरा पिटने वाले हैं अगर इन्होंने मेरी बात को नहीं माना। वैसे भी यार फिलहाल मैं हाई टेबल हूँ, मैं इनको नहीं मारूंगा, फिर इनको मेरी गैंग से पंगा लेना पड़ेगा और मैं इनका नेता आज ही बनवाऊंगा। मेरे प्यारे लॉस्ट वाले नमूना कैसे हो रहे? तो फिलहाल भाई देखता हूँ इनका जो कोई बंदा यहाँ पे मस्त मेरे को मतलब कि लीडर यहाँ पे मिलेगा उसी से जा करके बातें करेंगे, क्योंकि भाई फिलहाल अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो कि भाई पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है आराम से सिगरेट पीने में लगा हुआ है। मेरे प्यारे लॉस्ट वाले चाचा मेरे को मेरी बुक्स चाहिए जो तुम लोगों ने लेस्टर के पास से लिए। देख भाई सिगरेट तू पी ले कोई टेंशन नहीं है, एटीट्यूड मानता हूँ तेरे में है, बट अगर हाई टेबल से पंगा लिया ना, मैं ट्रेवर नहीं बोल रहा इस वक्त भाई, फिलहाल हाई टेबल वाले हिसाब से मैं इसको बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा भाई तुम लोगों के साथ में। ट्रेवर जो कर सकते हो कर लो, फिलहाल अपने एरिया से बाहर निकलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गया बेटे। तो फिलहाल भाई प्यार से मतलब नहीं मानने वाले, एटीट्यूड लेवल इनकी हजार गुना बढ़ के रखी हुई है, इनको सीधा करना मुझे आता है। फोन करता हूँ लेस्टर को, लेस्टर अभी नॉर्मल हो चुका है, लेस्टर पहुंच गया होगा बस। लेस्टर बेटे भीड़ लगा दे सबसे ज्यादा जितनी लगा सकता है पूरी लॉस्ट गैंग के ऊपर। लॉस्ट गैंग को जो कोई खत्म करेगा उसको हम 500 मिलियन डॉलर्स देंगे, क्योंकि पिछली बार हमने कम प्राइस रखा था। तो फिलहाल अभी 500 मिलियन डॉलर्स लगे हैं प्राइस, थोड़ी देर में लग जाएंगे। अभी देखते हैं कितने बंदे यहाँ पर आने वाले, दंगा तो यहाँ पर जरूर होगा, आएगा भी मजा। देखता हूँ भाई नेता कैसे बनते हैं। 500 मिलियन का प्राइस है भाई, सीधी सी बात है बहुत ही ज्यादा बड़ा ये प्राइस होता है, ऐसे थोड़ी भाई बंदे कुछ भी कर सकते हैं इतने बड़े अमाउंट के लिए। तो लड़ो भाई लड़ो, लॉस्ट वालों का नेता बनाओ, हाई टेबल से पंगा ले रहे थे यार, मैंने प्यार से बोला था मेरी बात मान जाओ, बट नहीं ना अभी पिट करके मानेंगे। खत्म करो मेरे भाइयों, एक भी लॉस्ट का बंदा नहीं बचना चाहिए, जो बच गया फिर तुम्हें पीटूंगा मैं। तो फिलहाल भाई पट जड़ से जब खत्म होंगे तब इनको पैसा दिया जाएगा 500 मिलियन। आपको पता है पैसा अपने पास बहुत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इनको पैसा दे देंगे। बन रहा था लॉस्ट वाला टकला नेता, मर गया ना बेटे। फिलहाल भाई यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग गैंग के बंदे आकर के रखे हुए हैं लॉस्ट वालों को नेता बनाने के लिए। ये लॉस्ट वाला बंदा बच गया, मारो इसको टकले को, कहाँ पे भाग के जा रहा है ये। फिलहाल ये देखो कैसे पड़ा है लॉस्ट का बंदा, अरे भाई मरोगे भाई मरोगे, अरे शोर बचा हुआ है अभी, अभी तो बहुत बुरी पिटाई इनकी होने वाली है। हाई टेबल से पंगा लिया है तो देखो शहर वाले बंदे ही मारने के लिए आ गए, इसी को कहते पावर। देखो चौचो कौन सी गैंग का भाई, ये चौचो भी तो आया मारने के लिए। अबे चाचा नमूने तू तो घर पे बैठ जाता। तो फिलहाल भाई वैसे देख के काफी अच्छा लगता है कि पूरे शहर की अलग अलग गैंग्स आई है, वो भी ट्रेवर का काम करने के लिए। ट्रेवर ने तो भाई गन भी नहीं निकाली, और मैं गन आगे से निकालूंगा भी नहीं, मैं तो बिट लगाऊंगा बंदों के ऊपर, जिसको मारना है भाई आके मार सकता है, मैं पैसे दे दूंगा।
ये सबसे अच्छा सिस्टम है, अपने पैसों को यूज में लाओ। इतने पैसे होकर के रखे कहाँ जाएंगे भाई, वो पैसे इस काम में आएंगे। आज मैंने देख लिया था, फिलहाल बंदे शांत हो चुके थे, इसका मतलब लोस्ट का एक भी नमूना जिंदा नहीं बचा। इस बाला वाले को बोलता हूँ, ए बाला वाले चाचा, भाई बाला वाले ने मेरे को अपनी बुक दे दी है वही वाली, तो लोस्ट वाले के पास आ गए थे सारी सारी बुक्स। फिलहाल अपनी भाई बाइक को लेकर के जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। मैंने इनको बोल दिया भाई तुम्हारा काम शुरू हो चुका है, जैसे ही हमें पता चल जाएगा लोस्ट पूरी जड़ से खत्म हो चुकी है, उसके बाद तुम सभी को तुम्हारा पैसा दे दिया जाएगा आराम से। टेंशन मतलब हाई टेबल कभी भी झूठे वादे नहीं करती, तो बोले ट्रेवर सर हमें सब पता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आज से आपको लोस्ट गैंग धीरे धीरे दिखनी कम हो जाएगी। तो समझ रहे हो भाई, आज तो लोस्ट का पत्ता कटना शुरू हो जाएगा आज से, तो धीरे धीरे लोस्ट वाले खत्म होने वाले। तो अभी माफ़ी मांगे कुछ भी होने वाला है भाई, अभी कुछ नहीं होगा, माफ़ी मांग लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल रूल है, पहले माफ़ी मिल सकती थी, अब कुछ नहीं होगा। अब तो भाई मैं दोबारा से अपने मिलिट्री बेस पर पहुंच चुका हूँ, मेरे को जैसा माइकल पर शक था ऐसे ही भाई बिल्कुल माइकल सारे काम कर रहा है। माइकल यहाँ पर है ही नहीं, वो निकल चुका है ताजमहल पर, इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, उसको पानी पीने का लालच आ चुका है भाई, वो सामने की तरफ निकल चुका है। तो मैं आखिरी बार उससे जाकर के बात जरूर करूंगा। भाई सामने एक बुक आपको दिखाई दे रही है, ये वो बुक है जो मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ। एक बुक भाई लेसर ने रख ली, लेसर ने भाई पढ़ के एकदम से मेरे को बुक दे दी, पता है ये बुक मैं क्यों लेकर के आऊँ? एक बुक में इन्फॉर्मेशन थी ताजमहल कहाँ कहाँ पे घूमता रहता है, कैसे भटकता रहता है वो, दूसरी बुक में उसको खत्म करने का तरीका था, और वो दूसरी बुक ही उसको खत्म कर सकती है। मतलब कि अगर मैंने इस बुक में आग लगा दी ना, तो सामने ताजमहल खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल भाई बाकी इसके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा, चाहे हम कुछ भी मार लिए। तब भी मैंने सोचा भाई क्यों असर की नहीं कर रहा, इसमें से भाई मेरी अपनी प्यारी गन भी आर पार निकल रही थी, एलियन गन, आरपीजी से कुछ असर नहीं कर रहा, तो बुक को मैं यहीं पे चलाऊंगा। बट उससे पहले अपने प्यारे दोस्त माइकल से जाकर के मैं बात जरूर करूंगा कि माइकल भाई प्लीज यार ये काम मत कर, गड़बड़ मत कर यार, वो मेरे को लगता है सामने पहुंच चुका है। तो फटाफट से तैर तैर के जाता हूँ ताजमहल के पास, देखता हूँ भाई बंदे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइकल क्यों गया वहाँ पे, इसका मतलब उसने पानी जरूर पी लिया और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माइकल तू ये नहीं कर सकता यार, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। भाई मैं ताजमहल पर पहुंच चुका हूँ, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल ऐसा ही माइकल करने में लग रहा, कितने सारे बंदे यहाँ पर लेकर के आए और भाई सारे बंदे पानी ना पी लिया इन सभी ने। माइकल भाई क्या यार ये तरीका है, तूने बोला था हम दोनों साथ में मिलकर के इसको खत्म करेंगे, फिर क्यों आखिर तो ऐसा कर रहा है वगैरह वगैरह। देख प्लीज यार अब तो सच बोल दे, मेरे को तेरे ऊपर पहले ही शक था, मेरे को पता था तू कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा है, क्या कर रहा है बता तो दे, देख मैं कुछ नहीं करने वाला। देख ट्रेवर भाई मैं बस तेरे को एक सच्चाई बताऊंगा, तूने याद है मेरे को बोला था मेरे पापा के बारे में और भाई के बारे में कि तूने उनको आईआई की फैसिलिटी में देखा था? हाँ तूने देखा होगा, बट वो असली नहीं थे, वो नकली थे, बस मैं ऐसे ही उनसे जाकर के वहाँ पे बातें करता हूँ, मतलब कि वो होलोग्राम है, मैंने उनको बना करके रखा हुआ है ताकि मैं उनको देख सकूँ और बातें कर सकूँ। बट भाई ट्रेवर मैं फिर भी उनको जिंदा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा होलोग्राम से काम नहीं चलेगा, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, इतने सालों के बाद जब मैंने उनको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं सिर्फ उनको ही जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने प्यारे भाई को मैं उनको समझाऊंगा, वो मेरे साथ रहेंगे क्योंकि मैं अब तक उनसे नहीं मिला, उनके पास नहीं रहा, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला अपने पापा के पास रहने के लिए, इसलिए मैं उनको जिंदा करने के लिए कुछ भी करूंगा। ड्राइवर देख और मेरे को पता चला ये ताजमहल इच्छाएं पूरी करता है, इसका पानी पी के मैं विश मांगूंगा और मेरे पापा और भाई वापस आ जाएंगे, इसलिए तू रास्ते में मत आ, देख दोस्त बात यही है बस और कुछ नहीं है। फिलहाल भाई माइकल तो बहुत ज्यादा ही इमोशनल होके रखा है अपने पापा को और भाई को लेकर के, समझ सकता हूँ यार। फिलहाल आपको पता ही है माइकल के जब पापा वापस आए तो इसको इतना टाइम भी नहीं मिला उनके पास रहने के लिए, उनके साथ भाई आपको पता है हादसा हो गया, उन्होंने अपनी जान दे दी ऊपर। तो उस दिन जब मैंने उन दोनों को देखा था आईआई की फैसिलिटी में, वो भाई सिर्फ होलोग्राम थे, इसलिए असली में उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमेशा उनके साथ रह सके। मानता हूँ माइकल सारे काम ठीक कर रहा, तो इसीलिए मुझसे लड़ रहा था और मेरे को बता भी नहीं रहा था, क्योंकि आपको पता है बाबा ने टाइम ट्रेवल के लिए मना कराया और जादू चीजों के लिए, इसलिए शायद से मुझसे चीजें छुपा रहा था ताकि मैं इसको मना ना कर दूं। बट फिलहाल यार अभी भी ये गलत ही कर रहा है, क्योंकि एक बार जो चला जाता है उसको जाना ही ठीक होता है, जो होता है सही होता है। अभी ये टाइम को छेड़ करेगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा और वापस उनको लाने की कोशिश करने में कुछ उल्टा सीधा काम ना हो जाए। माइकल देख प्लीज भाई ये नहीं हो सकता, कुछ और सोच, देख सब कुछ सही हो जाएगा, देख मैं इसको खत्म करूंगा, मैंने जो फैसला कर लिया मैंने वो कर लिया, मैं ताजमहल को खत्म करने वाला हूँ, और इसके बाद अगर तू पानी भी पी लेगा तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका असर शायद से भाई खत्म हो जाता है, जब ताजमहल ही खत्म तो इसकी जादुई शक्तियां भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मेरे भाई मेरे साथ में चल, देख ज्यादा टाइम नहीं है, बाबा ने बोला है खत्म करना है तो करना है, समझ रहा है ना? ड्राइवर भाई तेरे को जो अच्छा लगे तू वो कर, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, बात खत्म, मैं वही करूंगा जो मेरे को करना है, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे को जो करना है तू कर। फिलहाल यार माइकल बस मेरे को लगता है आज माइकल को बाय बोलना ही पड़ेगा, तो फिलहाल देखो यार ये करना ही पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है। माइकल को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, माइकल को मैंने काफी समझाने की कोशिश करी, माइकल अपनी बात पर भाई टिका हुआ है कि ये इसका पानी पीकर अपने पापा की विश मांगेगा और मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तो फिलहाल भाई अभी तो काफी इमोशनल मोड आ चुका है हमारे बीच में,
बट भाई देखो, करना वही चाहिए जो सही है। हम अपने चक्कर में पूरे लॉस सैंटोस को बर्बाद नहीं कर सकते। माइकल के पापा के चक्कर में, मान लो 1% मैं इसके चक्कर में ताजमहल ना खत्म करता तो मानता हूँ इसके पापा इसको मिल भी सकते हैं, बट उससे फायदा नहीं, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ताजमहल अपना असली रंग रूप दिखाएगा और पूरा लॉस सैंटोस तबाह हो जाएगा और मैं कभी नहीं चाहूंगा, और बाबा फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि मैंने उनकी बात टाली। और आपको पता है बाबा जो बोलते हैं उसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, तो इसलिए मेरे को ताजमहल खत्म करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ शायद से माइकल भी चला जाए। चलो तो भाई बाद में देखेंगे, बट फिलहाल जो बाबा ने बोला है वो करते हैं, बाकी चीज़ बाद में देखते हैं। यार काफ़ी कमाल है यार, मैंने सोचा नहीं था ये सिचुएशन आ जाएगी हमारे बीच में। माइकल ने भी ना यार फ्री में सारा काम खराब कर दिया। भाई मैं वापस से पहुंच चुका अपने मिलिट्री बेस के ऊपर की तरफ, बुक रखी हुई है सामने, माइकल है, बट भाई क्या कर सकते हैं, आग लगाता हूँ, काम खत्म करते। भाई मैंने बुक में आग लगा दी है फिलहाल, तो भाई अभी बुक जलने लग रही है, तो देखना ये है भाई ताजमहल कितनी देर में खत्म हो जाएगा। बस माइकल बेटे प्लीज टाइम रहने से पहले कूद जा पानी में, तो काश तो बच जाएगा, बट अगर भाई नहीं बचा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, हमारा दोस्त चला जाएगा। भाई ताजमहल भी बर्बाद होना शुरू हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। भाई अभी तो माइकल का बचना इम्पॉसिबल, अगर माइकल ऊपर रहा तो, वैसे माइकल इतना बेवकूफ नहीं है, शायद से वो कूद गया होगा। अगर उसने पानी पीने की जिद भी करी होगी तो पी करके कूद गया होगा पानी को, क्योंकि फिलहाल अगर ताजमहल पे अभी तक रहा होगा तो मतलब ही नहीं है भाई, वो फिर शायद से नहीं बच पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। देखो क्योंकि इतने बड़े धमाके में भाई बचना नामुमकिन है, पानी में कूद गया होगा तो 100% बच गया होगा। भाई फिलहाल ताजमहल चलते चलते गायब, यहाँ पे बुक थी वो भी जल करके पूरी गायब, सामने माइकल और बाकी बंदे कहाँ हैं, भाई मेरे को जा करके चेक करना पड़ेगा दोबारा से। फिलहाल भाई मेरे को लगता है हमारी उसी वक्त टल चुकी है, हमने ताजमहल को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है, बट भाई फिलहाल इसके चक्कर में मेरा दोस्त ने भी खत्म ना हो गया यार, जा करके चेक करता हूँ जल्दी से पानी में उसी एरिया में जहाँ पे ताजमहल था, काश माइकल मेरे को मिल जाए। ड्राइवर बेटे नीचे की तरफ जा करके चेक कर पानी में, अरे यार नीचे कुछ मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा, ये मछली है फिलहाल, इतनी ज़्यादा लाइट होकर के रखे पानी के नीचे, कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर ऊपर की तरफ जा, ऊपर की तरफ जा भाई, चलो जाता हूँ देखता हूँ जिस तरफ वो था मैं वहीं पे चेक करूँगा। फिलहाल अभी मैं शायद से काफ़ी पहले नीचे चला गया, काफ़ी देर में है माइकल, तो फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है भाई, ज़्यादा देर पानी में रह भी नहीं सकता, ड्राइवर का दम निकलने वाला हो रहा है। भाई मैंने पानी का बहुत ज़्यादा एरिया चेक कर लिया, नीचे तक भी ऊपर तक भी माइकल का कुछ भी अता पता नहीं है, और ना ही एक भी सिंगल बंदे का, उनकी सभी की बॉडी मिसिंग है ताजमहल के साथ साथ। फिलहाल भाई एक चीज़ सही करी तो शायद लगता है दूसरा काम खराब हो गया, बट भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, उसको समझाया, और आपको पता है माइकल बहुत ज़िद्दी है, वो नहीं मानता और नहीं मानने वाला था वो, इसलिए भाई अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वहाँ पे लड़ाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि माइकल लड़ने के बाद भी नहीं मानता, इसलिए कोई भी फ़ायदा उस चीज़ का नहीं था। फिलहाल वैसे मेरे को लगता नहीं है कि माइकल इतनी जल्दी से भाई मर सकता है, माइकल बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है, कहीं ना कहीं तो छुप गया होगा या फिर वो नीचे की तरफ भाग गए होंगे सारे सारे, वो मेरे को मिल जाएगा। बट भाई अगर उसने पानी पी भी लिया होगा ना, कोई भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपको पता है ताजमहल ख़त्म, पानी का असर ख़त्म। फिलहाल माइकल बस मिल जाएगा मेरे को, आ जाएगा खुद ही रो रो के घर पे, कोई टेंशन नहीं है, निकलते हैं। भाई लेस्टर का फ़ोन आया, बेचारा फ़ोन पे रो रहा था, बोल रहा है ड्राइवर कैटरीना मुसीबत में, प्लीज़ उसको जा करके बचा लो भाई, उसको कुछ बंदे किडनैप करके ले गए। ओहो ये माइकल के बंदे हैं, किसी और के बंदे हैं, बेचारी कैटरीना को ले गए यार। लेस्टर तो इतने सालों बाद शादी करने वाला है, सालों बाद क्या भाई, पहली बार जिंदगी में शादी होने वाली है उसकी, उसकी वाइफ लेके उठा गई, तो बहुत गलत काम हुआ। माइकल बेटे तू अभी तक भी उल्टे काम कर रहा है क्या, चलो जा करके चेक करता हूँ भाई। वैसे मेरे को लगता नहीं माइकल ने काम करा होगा, माइकल तो यहाँ पे बिजी था, किसी और नहीं करा है। भाई मैं पहुंच चुका हूँ लेस्टर की बताई हुई जगह पे, तो कुछ बंदे यहाँ पर है और बेचारी कैटरीना को बांध करके रखा हुआ है। इतना दम मेरे प्यारे प्यारे नमूनो, अबे तुम लोगों को पता है तुमने किसको किडनैप करा है, और हाई टेबल के बारे में जानते नहीं जानते, कहाँ से आए तुम लोग? भाई सॉरी यार, माइकल सर ने बोला था सारा काम करने के लिए, इसको तुमने काफी देर से उठा करके रखा हुआ है, हमें नहीं पता था कि ऐसा पंगा हो जाएगा, प्लीज माफ कर दीजिए, हमने गलती कर दी बहुत बड़ी, प्लीज प्लीज हम छोड़ रहे हैं, माफी मांगते हैं आपसे। भाई देख रहे हो तो ये सारा काम माइकल का ही था, हद मचाता है बदतमीज। फिलहाल शायद से उसका बैकअप प्लान होगा, इसने जानबूझ के इसको पकड़वाया ताकि लेस्टर ना बुक्स को रीड ना करे और ट्रेवर की हेल्प ना करे, तो ये शायद से उसने ऐसा करा होगा, बट भाई तब भी हमने बुक्स को रीड करा, हमने ध्यान नहीं दिया चीज पे। फिलहाल भाई कैटरीना के हाथ मैंने बंदों से खुलवा दिया। चलिए भाई अभी लेस्टर को फोन कर देता हूँ, लेस्टर भाई जी आज आप फटाफट से, क्योंकि मेरी जो बाइक है ना भाई इसमें दो नहीं बैठ सकते, तो कैटरीना जी बैठ नहीं पाएगी, बस मेरे को देखती रहेगी घूरती घूरती कि ड्राइवर मैं कहाँ बैठूँ, अभी कैटरीना जी क्या बोलूँ मैं आप कहाँ बैठे हो, तो फिलहाल ड्राइवर बैठे बता जल्दी से कहाँ बैठाएगा इसको। सॉरी एक ही बंदा आता है इस बाइक पे, तो फिलहाल अभी एक काम करता हूँ लेस्टर को फोन कर देता हूँ। लेस्टर तेरी फ्यूचर वाइफ सेफ है भाई, वो बंदा दम नहीं निकला, वो बंदे तो चले गए, फिलहाल कोई भी टेंशन की बात नहीं है। भाई मैं लेस्टर को फोन कर दिया, लेस्टर बोल रहा है मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ अपनी प्यारी वाइफ के पास, फ्यूचर वाइफ के पास, तो चलिए भाई वो आ जाएगा और आकर के इसको लेकर के चला जाएगा। तो फिलहाल यार देखा जाए तो अभी हमने
एक जिम्मेदार बंदे के हिसाब से सारे सही काम करे जैसा मेरे को करना चाहिए था। मैंने दोस्ती पूरी निभाने की कोशिश करी, मैंने भाई ताजमहल भी खत्म करा बाबा कहने पर, बस थोड़ा माइकल ने यार बस इमोशनल किया। वैसे यार उसकी बात बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैंने देखो उसको करने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माइकल की इच्छा अधूरी रह जाए। क्या पता 1% भाई उसका ये पानी असर कर जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि उसका पानी असर कर जाए और हलवा जी और हमारा प्यारा वो जोन वापस आ जाए, क्योंकि देखो ताजमहल तो अभी खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब आगे इन फ्यूचर अभी कोई और बंदा पानी नहीं पी सकता। बट क्या पता माइकल का पानी असर कर जाए और माइकल के पापा वगैरह वापस आ जाए। तो ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है, हमारे दोस्त ने तो पानी पिया है ना, बात खत्म, बस उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। काश ऐसा हो जाए जैसा मैं सोच रहा हूँ, बट अगर नहीं हुआ तो भाई फिर बेचारा उदास होएगा। पता नहीं अभी तो मिलेगा मेरे को कहाँ पे, बट मैं उसको ढूंढूंगा जरूर, लेट नहीं करेंगे भाई, उसको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसको कुछ भी खतरा हो। इसलिए मेरे को उसके हर एक बेस पे जाकर के चेक करना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ पे गया है वगैरह वगैरह, वो सारी जगह मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को लगता है वहाँ से वो भाग करके अपने उन सही बंदे के पास, क्योंकि भाई उनकी बॉडी तो मिलनी चाहिए थी ना, किसी बंदे की बॉडी नहीं मिली। मान तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था तो बॉडी जल जाती पानी के आसपास, मिल जाती बॉडी भी नहीं मिली, तो इसलिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा सारे सारे बंदे वो भाग गए किसी जगह पे, मिलेंगे मेरे को जरूर। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो को तैयार होकर ये वीडियो कैसे लगी भाई, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके स्टार्ट कर दो। वीडियो के लाइक्स कम 30,000 है, जल्दी से आगे से पूरा करा दो। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।